ना फोटो के पीछे पागल हो गए भाई लोकेशन देख। ओ भाई साहब मीटिंग चल रही है भाई की। रुको तुम यही रुको, सामने देखो गाइस, सामने चेक करो आप भाई। ये कह रहे थे भाई जिसने बस भाई की अभी भी मीटिंग खत्म नहीं होगी गाइस। ये देखो मीटिंग कर रहे हैं, अभी भी मीटिंग चल रही है भाई की, इम्पोर्टेंट वाली मीटिंग। ओ भाई यहाँ तो स्टार्ट है भाई, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है भाई, तो उसके वजह से भाई ट्रैफिक यहाँ काफी ज्यादा है। ओ भाई यहाँ तो एक्सीलेटर देने की लोड ही नहीं है भाई, अपने आप ही चली जा रही है, अपने आप चली जा रही है, पेट्रोल की बचत हो रही है, पेट्रोल की काफी ज्यादा। भाई चेक करो भाई ने ना क्या ही, जिसे कहते हैं ना खासा मोटा चौड़ा टायर, भाई ने बहुत ही ज्यादा मोटा टायर साइज है भाई, 180 साइज है, V2 में डलवाई है भाई ने। भाई क्या ही लीड हो रही है भाई जी यहाँ पे बहुत ज्यादा। ओ भाई ट्रक वाले भैया क्या ही कर रहे हैं। ओ भाई मरवाता है ये भाई, ट्रक पे लोड ही इतना है ना गाइस, चढ़ नहीं पा रहा है ये देख लो। भाई काफी ज्यादा ओवरलोडिंग दी है ट्रक वाले ने, भाई चलान काटो इसका। भाई उतनी ज्यादा चढ़ाई भी नहीं है जितना है ये ट्रक वाले भैया चढ़ नहीं पा रहे, ओवरलोडिंग करोगे तो भाई यही होगा, खुद का तो नुकसान है भाई दूसरे का भी नुकसान करवा रहे हो। तो गाइस आगे जाके कहीं रुकते हैं गाइस, क्योंकि भाई लोगों को लग गई है प्यास, पानी पूनी पीते हैं, चाय वगैरह जिसने पीनी है चाय पी लेंगे, बाकी फिर राइड को करते हैं कंटिन्यू। तो देखते हैं कोई अच्छी सी जगह रोकते हैं भाई, मुझे तो नहीं लग रहा इस एरिया में कोई अच्छी सी जगह होगा कोई, बाकी देख लेते हैं कोई भी ढाबा होगा कहीं भी रुक जाएंगे हम। तो गाइस यहाँ से करना है टर्न, तो भाई देखते हैं कोई मंदिर है।
भाई बच्चे को क्या ही गाइस, बाइक के साथ इतनी प्यार है ना भाई। बाकी राइडर रह चुके हैं काफी पीछे, भाई को आगे करते हैं भाई उनको, क्योंकि लोकेशन उनको पता नहीं है गाइस, तो मैं रहता हूँ पीछे, भाई को करते हैं आगे। चलो चलो भाई साहब, ये चेक करो गाइस, ओ गाइस भाई फुल जोश में है भाई, बोल तो बोल। क्या ही रिएक्शन चेक करो गाइस, आए क्या ही रिएक्शन मिल रही है, रिएक्शन तो मिलेगी गाइस जब बाइकों की हेल एक साथ जाएगी ना, तो भाई कोई भी ऑफ कोर्स कोई भी देखेगा गाइस जरूर, हेलमेट पलट के तो देखेगा देखेगा भाई, पापा की परियां भी देखेगी यहां तक तो भाई। बुलेट राजा उड़ा रहे हैं भाई, तो बुल भाई सामने आपको देख रहे है, पहाड़ दिख रहा है, धुंध की वजह से गाइस उतनी विजिबिलिटी है थी, तो फिर भी आपको दिख रहा होगा। तो गाइस इस पहाड़ के ना हमें पीछे जाना है, अब सोच लो कैसी राइड होने वाली है, काफी ज्यादा पावर तोड़ वाला राइड गाइस। एक तो भाई ऑफ रोडिंग का भी मजा आएगा इसमें, हाँ हाँ रोक लो, ये रोक लो रोक लो, तो भाई थोड़ा रेस्ट करते हैं भाई, काफी देर से ना राइड कर रहे हैं, तो वो थक चुके हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो पानी पूनी पी के फिर निकलेंगे। तो भाई थोड़ा इंजन भी काफी हीट हो चुका है, तो इंजन को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं। तो भाई लोग सारे रुक चुके हैं, तो चलते भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली गाइस, काफ़ी लंबी राइड करके ना हम काफ़ी थक चुके हैं, तो सोच रहे हैं कुछ रेस्ट वगैरह कर लिया जाए। तो भाई रास्ते में पुलिस वाले भैया ने रोक लिया, तो कह रहे हैं कि भैया लाइसेंस दिखाओ, ये भैया डर गए थे, ये भाई साहब ना डर गए थे भाई, ये कह रहे थे भाई जिसने बचाया ना गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाई ने बचाया भाई, इन्होंने अपना लाइसेंस दिखाया है पुलिस वाले भैया को। ये तो भाई ना सिर्फ पीछे बैठे थे और भाई के पास ना वो लाइसेंस नहीं था, तो भाई इसको थैंक यू करना पड़ेगा भाई, थैंक यू बोलो भाई, थैंक यू बोलो भाई को, देख लो भाई के फिर हाईवे पे हम चढ़ जाएंगे, तो मिलते हैं गाइस आपको सीधा राइड पे। तो एक तो भाई ना है भी ये ना रोड ना, ये सिंगल रोड है भाई ना, यहाँ भगा भी नहीं सकते भाई, रिस्क वाला काम है गाइस। एक बात तो है भाई, जितना हिल एरिया पे ड्राइव करके मजा आता है ना, उतना स्ट्रेट रोड पे नहीं आता। जिसको भी हिल एरिया पसंद आना गाइस, वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, यहाँ पता लगता है बंदों की ड्राइविंग स्किल हिल एरिया पे, स्ट्रेट पे तो कोई भी चला लेता है, यहाँ पता लगता है भाई बंदे की स्किल कितना है क्या नहीं है। एक तो लीन करने में गाइस इतना मजा आता है ना, यहाँ सिंगल रोड पे यही है। तो भाई लोगों का वेट कर रहे थे, तो
फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं, तो भाई निकलते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं अपने राइड को। एक्चुअली है ये हिल एरिया तो थोड़ा ज़्यादा लगता है डिस्टेंस, और एक हम जा भी रहे हैं 40, 45, 50 ऐसे। गाइस बस में से क्या ही रिएक्शन मिल रहे थे। गाइस व्यू चेक करो आप, काफी हाइट पे आ चुके हैं, पहले से ज्यादा काफी हाइट है। अभी तो व्यू दिख ही नहीं रहे है धुंध की वजह से। भाई जो शिमला से वीडियो देख रहा है ना भाई, वो भी कमेंट में मेंशन कर देना भाई, हमें भी पता लगे हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। सामने देखो गाइस, सामने चेक करो आप, भाई मैं तो थक गया यार राइड करके गाइस, बहुत पेन हो रही है हाथों में। चलो रूम पे जाके करते हैं रेस्ट भाई, क्योंकि भाई रेस्ट नहीं करेंगे तो भाई बुरा हाल हो जाएगा, घूम भी नहीं पाएंगे भाई। एक तो यहाँ पे ना पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम होती है ना, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। बाकी के राइडर पीछे चल रहे हैं तो भाई को आगे जाने देते हैं। ये तो भाई सामने आगे आगे जो जा रहे हैं ना आदर्श भाई, इनके साथ तो भाई क्या ही बताऊं, बुरा काम हो गया भाई के साथ। भाई ने कभी विंग लाइट लगवाए थे 2000 रुपये के भाई, आज भाई भाई के टूट गए भाई, भाई का तो दिल ही टूट गया भाई, क्योंकि ये सिंगल पीस मिलते भी नहीं है, अगर लेना तो आपको मिलेंगे भी जोड़े में मिलते हैं। लोग तो कैमरे खोल के वीडियो बना रहे हैं, सोच सकते हो आप कैसी होगी रिएक्शन। भाई हिमाचल का ये सामने जो दिख रहा है ना आपको, ये विधानसभा चेक कर लो आप, विधानसभा भाई बनाई तो विधानसभा बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। अरे भाई साहब पुलिस ही पुलिस वाले हैं, हाँ ट्रैफिक भी इतना है ना भाई, ट्रैफिक तभी कंट्रोल होंगे। ये अपना आ जाता है टनल, छोटा सा टनल, हो भैया पुलिस वाले भैया से पूछते हैं कि कहाँ को रास्ता पड़ेगा ये। अच्छा टनल से सर उधर होना है, अच्छा। तो यहाँ तो चलो फिर यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। अच्छा, एक होटल वाले को बैठा लिया, हमें तो यहाँ का कुछ पता नहीं गाइस, तो भैया को पीछे बैठा लिया, ये अपने होटल के पास ले जाएंगे मॉल रोड पे। तो भैया के पीछे पीछे चलते हैं फिर, तो राइडर भी अपने सारे रेडी है। यू टर्न लेने का इसे यहाँ से, तो लेते हैं यहाँ से यू टर्न। ये होटल अपना गुलमर्ग है भाई, बोलते तो है भाई होटल बहुत अच्छा है, बाकी जाके पता लगेगा, आपको दिखाते हैं अंदर। लग तो अच्छा ही रहा है भाई, अच्छा ही खासा बड़ा है, कहते 200 रूम है यहाँ पे। बाकी पार्किंग का देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। ओ भाई ट्रैफिक यार, फिर
फिलहाल तो यहीं पार करनी पड़ेगी, बाद में भाई साहब कह रहे हैं कि बाद में सेटिंग करते हैं, तो फिलहाल यहीं पार कर देते हैं फिर। रुको तुम यहीं रुको, बाकी हम सब देख के आ रहे हैं। तो भाई कहाँ जा रहे हो? कमरे में, खोली में जा रहे भाई। बढ़िया है यार, बस डन है, डन है गाइस। आपको भी दिखा देता हूँ, चेक करो आप। ये देखो गाइस, ओके है ना? रूम्स आर गुड गाइस, कमेंट करके बताना रूम कैसा है भाई। बढ़िया है गाइस, एक नंबर। तो फाइनली गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 9 बजे का मॉल रोड का ट्रिप करेंगे, तो फाइनली गाइस हम मॉल रोड पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ रोमांटिक सीन हो रखा है, तो भाई ना यहाँ पे सेल्फी रील वगैरह इतना शूट करने लगे हैं ना भाई, क्या ही मैं बताऊँ आपको। लोग ना फोटो के पीछे पागल हो गए भाई, लोकेशन देख के सारे रेडी हो रखे हैं जाने के लिए। लड़के लोग ना सुबह के उठे पे हैं भाई, 5 बजे। जब सुबह की किरणें पड़ती है ना भाई, क्या सेक्सी लगती है गाइस, चेक करो आप। उधर तो धूप ही धूप हो रखी है पूरी। के बाद ना हमें टूरिस्ट गाइड करने वाला भाई मिल गया, तो भाई को बैठाएंगे बाइक पे, तो सीधा जाएंगे क्योंकि भाई को यहाँ पे लोकेशन पता है, तो भाई को लेके जाते हैं फिर वहाँ से। भाई यहाँ तो पूरी बर्फबारी हो रखी है भाई, फुल टू फुल भाई, अभी भी बर्फ नहीं हटे हैं। ऊपर देखो गाइस, ऊपर चेक करो आप, ये आगे भाई गाइस हम सबसे टॉप पे। दिख रहा है जैसे गाइस हम सबसे टॉप पे है इस टाइम हम। भाई रोड पे तो फुल टू फुल बर्फ जमी पड़ी है, बाइक ऐसे फिसल रही है ना भाई जैसे सांप चल रहे हैं। ओ भाई ऑफ रोड तेरी, ये घोड़े जाते हैं ऊपर, जिसने भाई जो चल नहीं सकते थे उनके लिए है ये वाहन, वाहन सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। ओ भाई साहब, चेक करो ऊपर के नज़ारे देखो गाइस, हाय हाय क्या व्यू आ रही है गाइस। ओ भाई बस यहाँ दिक्कत तो यही है गाइस की भाई, पार्किंग की ना, पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है बस। बाइक तो पूरी तरह फिसल रही है भाई बर्फों पे, अब मुझे ही पता मैं कैसे ड्राइव कर रहा हूँ। घोड़ों की सेना, तो भाई कह रहे बाइक यहीं बाइक पार करना पड़ेगा, तो भाई चलो यहीं पार करते हैं फिर। सो फाइनली गाइस यहाँ हमने घूम लिया, तो बाकी भाई नीचे जा रहे भाई लोग का प्लान है कि भाई नीचे जाके भी थोड़ा घुमा जाए, तो भाई। सो गाइस हमने यहाँ पे जितना भी घूमना था यहाँ पे घूम लिया है,
बाकी हम नीचे जा रहे हैं, बाकी आपको नीचे जाके दिखाते हैं भाई वहाँ का व्यू पॉइंट, वहाँ का क्या सीन पानी है भाई। यहाँ तो भाई फ़ोन यूज़ करने का तो टाइम ही नहीं मिला भाई, टाइम ही नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि मेरी बैटरी ऑलरेडी डेड थी भाई, तो फ़ोन वैसे भी नहीं चला सकता था। तो भाई फिर बैटरी चार्ज किया, एक तो रिएक्शन गाइस यहाँ पे इतने मिल रहे हैं ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, रिएक्शन ही रिएक्शन मिल रहेगा इसी तरह। ओ भाई साहब कितनी जनता है, भाई साहब ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना घोड़ों की, यहाँ से ना पर्ची कटानी पड़ती है 500 की, तो यहाँ से आपको घोड़ों के ऊपर बैठा के ना ऊपर ले जाएगा, ऊपर है, ऊपर जो आपको मेन बी पॉइंट है ना आपको ऊपर ही मिलेगा, नीचे कुछ नहीं है आपको, नीचे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो जितने भी भाई ये लाइन में खड़े हुए हैं, यहाँ से लाइन में खड़ के ये सब घोड़े पे बैठ रहे हैं जैसे कि देख रहे हैं आप। साहब यहाँ तो भाई पानी पानी आ रखा है भाई, एक तो पहाड़ों से पानी इतना नीचे निकलता है ना भाई, रोड की तो इन्होंने सत्यानाश मारी हुई है पूरी। ओ भाई टायर तो भाई पूरी फिसल रही है यहाँ पे, तो भाई ट्रैफिक कितना है ना यहाँ पे, 5 की स्पीड से जा रहे हैं, ये देखो 5 भी नहीं है गाइस, ये तेरा टायर टायर भाई सभी का फिसल रहा है, बहुत गंदी तेरा भाई, गया तो अभी बच गया, टेढ़ा हो गया था भाई पूरा, गंदी स्कीटें हो रही है यहाँ पे। ओ भाई साहब बच गया भाई, भाई बहुत गंदा है, अरे यार क्या ही भाई, आराम से ब्रो आराम से, भयंकर वाली यहाँ पे है यार सीन हुआ पड़ा है।